खुद देख रहे हैं प्रदेश में कांग्रेस आने के बाद कितना विकास हो रहा है। सज्जन भाई ने एलिवेटेड दी सीएम से सैकड़ों कॉलोनी इंदौर में वेद की। कांग्रेस निश्चित तौर पर विकास के मुद्दों पर इंदौर से लोकसभा सीट जीतेगी। यह बात इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पंकज संघवी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। आगामी 19 मई को प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा से पंकज सिंघवी को प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि लंबी जद्दोजहद और इंतजार के बाद पंकज को कमल यानी कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया गया है। वहीं भाजपा में अभी भी प्रत्याशी को लेकर स्थिति उलझी हुई है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पंकज संघवी ने कैलाश विजयवर्गीय और उनके बीच के मधुर संबंधों को बताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस जीत रही है। इस दौरान उन्होंने इंदौर की विधानसभा क्षेत्रों के वोटों के आंकड़े भी बताए। वहीं संघवी ने यह भी कहा कि मुझे पार्टी ने पर्याप्त समय दिया है, मैं जीत जाऊंगा। जाइए केदार जी कलकत्ता में पूछा अरे तो उसमें क्या हुआ, अरे मेरे उनके पारिवारिक संबंध में वो अपनी जगह है, आज उनके पास कलकत्ता की जवाबदारी वो पहले दिन से कह रहे थे। लेकिन वो कह रहे होने के बाद ही आपका नाम घोषित होने के बाद उन्होंने निकाल दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं अभी तक वो कह रहा था कि संगठन बोलेगा तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। संगठन नहीं बोल रहा ना उनको, आप समझो संगठन बोलता तो लड़ लेते, संगठन मना कर रहा है। सत्तन गुरु ने भी दो दिन पहले बोला था कि पंकज जी और कैलाश जी के मधुर संबंध है, अगर पंकज जी चुनाव लड़ेंगे तो कैलाश जी नहीं लड़ेंगे। मैंने इस बात का इनकार तो नहीं किया कि मेरे मधुर संबंध नहीं है। तो क्या लगता है कैलाश जी का पंकज जी लड़ेंगे तो यही तो नहीं मधुर संबंध? नहीं, ये उनकी पार्टी उन्हें नहीं लड़ा रही। ये बात क्या इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।